हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको प्यार भरी राम राम। कैसे हो दोस्तों? माता रानी से आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया सोनिया 5507 सोनिया सोनिया शॉर्ट्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों करते हैं कमेंट पे बात, क्योंकि कमेंट बहुत आए पड़े हैं और जब तक दो चार दिन लगातार ब्लॉग नहीं बनेगा तब तक निपटेंगे नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरे फैंस बहुत जरूरी हैं और उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। तो जो मैं फर्स्ट कमेंट है, मैं अपने पुराने सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहती हूँ, कल परसों भी नाम लेता आज भी लेना चाहती हूँ, प्यारे भैया राजा और प्यारी भैया रानी भाभी। तो ये मुझे बहुत देख के हंसी आई और समझ गए होंगे ये नकली सिंह जी हैं। और थैंक यू सो मच आपको, आपने इतनी अच्छी बात कही, बहुत अच्छा दिल छू लिया। और जो और मेरे मैं एक चीज करूंगी क्योंकि मैं आंख मारूंगी। एक मेरे फैंस है बहुत पुराने, समझ गए, तो उन्होंने इनके हस्बैंड जो हैं जो रेस्ट पे चल रहे हैं घर पे, तो उनके जो फोड़ा हो गया था उनके जब भी प्रोसेसिंग में चला हुआ है क्योंकि कल शायद चीरा लगेगा, तो उस पे बताया था क्योंकि वो केस खराब हो गया, ना हम उस पे गेहूं के दाने रख सकते हैं ना हम उस पे काली मिर्च रख सकते क्योंकि अब उसमें ज्यादा ही थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इस वजह से दोस्त मैं आपको नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ, पर थैंक यू आपने मुझसे बोला, बहुत अच्छा लगा। धर्मेंद्र सिंह ध्यान से सुनना, नेगेटिव कमेंट है। एज हो चुकी है, कुछ अच्छा करें, क्या अच्छा करूं? चलो कोई बात नहीं है, 10-5 लाख रुपया तुम दे दिया करो महीने के, आराम से गुजारा होगा। आज यहाँ पे कल मुंबई, कभी कहीं घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे और क्या। उसी पे अंजू लता एक मेरी फैंस है, उसने बोला है कि मूर्ख लोग हैं जो उंगली उठाते हैं, मेहनत नहीं देखते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, लव यू बाबू आपको, और थैंक यू सो मच। चार बात अपनी तरफ से भी लगा दूं, एक बात कहना चाहती हूँ, इंसान अगर इन चीजों में रह जाएगा ना, मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मूचन, मैं ठाकुर हूँ, मैं यू नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, भैया चौधरी पने में कुछ ना डरो, अपना गुजारा करो जैसे हो भाई, जो काम आप पॉसिबल है वो कर सकते हो वो करो। मेरे एक भाई हैं, ताऊ के लड़के हैं, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, तो मैं आपको काफी दिन पुरानी बात बताती हूँ। उन्होंने एक शॉप खोली थी टायर पंचर की, तो क्या बुराई है, हालांकि हमारे घर में कोई ऐसा वो नहीं है, बट वो थोड़े सीधे हैं, भोले हैं और उनपे ज्यादा काम ऐसा होता नहीं है, और अच्छा जो उनका बिजनेस है उसी में ही बिजनेस है, तो काम है ना कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। और किसी के काम पे उंगली उठाने से पहले उसकी बराबरी करना सीखे कि भाई एक दो बार हम करके देखें, परफॉर्मेंस करके देखें, फिर पता चलेगी कि ना तुम्हारी सिट्टी पिट्टी कैसे गोल हो जाती है। मजलेश ध्यान से सुनना, नेगेटिव कमेंट है। ओल्ड मैडम, ओल्ड इज गोल्ड, तो मैं उनको नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ, ओल्ड इज गोल्ड, मजे में रहो, मजे की जिंदगी है, ऐश करो, तो ओल्ड इज गोल्ड। और गोल्ड का आज को आपको पता रेट क्या है भैया, हर कोई खरीद नहीं सकता, हर कोई पहन नहीं सकता, और कुछ मुथू बैंक वाले ने नंगे कर रखे लोग, तो भैया किसी को जज ना करें। तो अब हमारे मम्मी पापा ओल्ड हो जाते हैं तो हम उन्हें ऐसे थोड़ी कहेंगे ओल्ड है, तो देखो ये तो उम्र का तगाजा है, हर किसी को ये झेलना है। और आपको शायद मेरी एज ज्यादा लग रही हो तो कोई बात नहीं, नोट प्रॉब्लम, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपनी एज के साथ, अपने वजन के साथ, अपने परफॉर्मेंस के साथ मैं खुश हूँ। बाबू मियां ध्यान से सुनना, नेगेटिव कमेंट है, और उठाओ मैडम जी, क्या उठाना भैया। तो शायद मैंने लहंगा बांध रखा उसके लिए उन्होंने बोला है, इतने पागल वागल तो कोई नहीं है। तो भैया थोड़ा सा ना अपने शब्दों पे कंट्रोल करें, कितना उठाना नहीं उठाना या कितना वजन झेलना नहीं झेलना वो मेरा पर्सनल मैटर है, तुम अपनी जुबान को ना थोड़ा चुप्पी रखे तो ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वरना तुम्हें उठने में देर नहीं लगेगी, जब पड़ेगा ना ये लेफ्ट उल्टे हाथ को ही बहुत है मेरा तो। देखो भैया मैं ना औरत भले हूँ पर मैं लड़कों जैसी औरत हूँ, मैं आदमी जैसी औरत हूँ, मैं मजबूत औरत हूँ, मैं ऐसे हूँ नहीं कमजोर जो ऐसे करे, मैं खून में देना हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ। इधर मेरे साइड में भैया भी, मेरा बेटा भी हंस पड़ा हुआ इस साइड में, तो भैया मैं हूँ ना हूँ कमजोर सी नाजुक सी, मैं गजगामनी फलानी दिमागी मैं नहीं हूँ, मैं ऐसी औरत हूँ, मैं कच्चा दूध पैदा
मतलब कच्चा दूध पी के पैदा हुई हूँ, तो मैंने हमेशा कच्चा दूध पी अपनी भैंसन को गायन को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं बचपन में छोटी थी, इसीलिए मैं इतनी मजबूत हूँ। थैंक यू सीमा 58182, मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, 15 वीडियो डाल दो 15 पे ही कमेंट करती हैं, बहुत थैंक यू सो मच। पहले तो सीमा आपको लव यू दोस्त। कितने पे मोनोटाइज हो जाता है? 4000 घंटे बहुत चाहिए, 1000 आपको सब्सक्राइब, 3 करोड़ व्यूज, तो इतने पे आपका चैनल मोनोटाइज हो जाता है। आप कंटिन्यू मेहनत करें और रेगुलर वीडियो डालें और आपकी ये चीजें अपने आप ही पूरी हो जाएंगी, तो किसी भैया से या किसी से कह के मोनोटाइज करवा लेना, या टाइम मिले या मौका मिले या नजदीक से रहती हो तो फरीदाबाद आ जाना घूमने के लिए। जहाँ पे मेरी फोटो लगी हुई है उसी के नीचे मैंने अपना एड्रेस वगैरह सब चीज मैंने डाली हुई है, और मेल पे तो मेरा फोन नंबर भी डाला हुआ है। आप मेल देखोगे, मेल खोलोगे तो मेल पे मेरा मोबाइल नंबर भी है, जो मेरा ओनली इसी पे काम होता है, उसी नंबर से। तो थैंक यू सो मच सीमा 58182, लव यू। ज्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बना रही, कल फिर बनाऊंगी, छोटा सा ब्लॉग बनाया, बहुत ही छोटा, ज्यादा नहीं है। पर दोस्तों थैंक यू सो मच। देखो हम है ना कहते नहीं, राम से और गांव से हम नहीं लड़ सकते भैया, हम तो हाथ जोड़ते हैं। और रही उसकी बात, आपको किसी ने बोला है किसी को गलत कमेंट ना करें, एक्चुअली मुझे याद नहीं है किसने बोला, बट कमेंट मैंने पढ़ा हुआ है और कमेंट बाय द वे मेरे से मिस्टेक हो गया है, तो उन्होंने बोला है कि आपको अच्छा ना लगे आप ब्लॉक कर दें, आप किसी पे गलत टिप्पणी ना करें। कोई अपने सपने साकार करने के लिए, कोई अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इतनी मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, तो थैंक यू आपको दोस्त, बहुत लव यू। और थैंक यू यूट्यूब एंड यूट्यूब फैमिली, लव यू। और आपके साथ हमेशा मैं बनी रहूंगी, आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपके चैनल पे जाके काम करती हूँ और करती रहूंगी। थैंक यू सो मच। ना मुझे किसी चीज का वो है कि भाई मुझे मिल गई मेरी वीडियो चल गई तो चलो कोई बात नहीं, ना मैं आपके बगैर जीरो हूँ, बिल्कुल जीरो हूँ, नथिंग हूँ। थैंक यू सबको, मेरे जितने भी मेरे मेल और फीमेल फैंस हैं, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर ना करें। और आज मैंने एक हाथ में मेहंदी लगाई है, देखना कमेंट में जरूर बताना प्लीज। थैंक यू, बाय, लव यू।